यज्ञ स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन चक्रपाणि महाराज ने किया उद्घाटन। मोकामा प्रखंड के औठा ग्राम पंचायत में 9 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान स्थल में ज्ञान यज्ञ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 40 लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री चक्रपाणि जी महाराज के हाथों से हुआ। रक्तदान शिविर के संयोजक देवनारायण प्रसाद सिंह मिक्की बाबू थे। यह रक्तदान शिविर समाज सेवी सह पत्रकार विक्रांत कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं संयोजक देवनारायण प्रसाद सिंह ने सभी रक्तदान सहयोगियों नेतृत्वकर्ता एवं मेडिकल टीम का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि रक्तदान 18 वर्ष के ऊपर के सभी स्वस्थ व्यक्तियों को करना चाहिए। रक्तदान शिविर में पुरुषों के साथ साथ युवतियों ने भी उमंग के साथ रक्तदान में हिस्सा लिया एवं कई ऐसे भी युवा और युवती थे जिन्होंने आज पहली बार रक्तदान किया। आज इस महायज्ञ में रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसके बारे में बताएं। अंदर में मन में तो था, लेकिन रक्तदान शिविर चलाने वाले जो हैं उनका बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इस जग को और सफलता बढ़ा दी है। और आधुनिक जग यही है कि कमजोर लोगों को सेना में जो अपाहिज हो जाते हैं उन लोगों को रक्तदान किया जाए, और इसलिए इस संस्था के लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम यहां ला करके मुझे कृतार्थ कर दिए हैं, पुण्यार्थ कर दिए हैं, पुण्य में बदल दिए हैं। धन्यवाद। हाँ, पहली बार अभी डोनेशन किया है, ऐसा मौका मिला। मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर से? हाँ, मैं भागलपुर। यहाँ मेला वाला घूमने? यहाँ मेला घूमने आए थे। हाँ, मेला नाम देखा था, तो अभी ब्लड डोनेशन कैंप देख के मैं अभी रक्तदान। कैसा लग रहा है? और इस तरह का मेले में मतलब रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो ये सब चीज़ देख कर मुझे कैसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी काम ये हो रही है जिससे कहीं की जिंदगी बच सकती है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिओम प्रियदर्शी हुआ। हरिओम प्रियदर्शी, पहली बार डोनेशन रक्तदान कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना एज हुआ आपका अभी? 20 यानी फर्स्ट टाइम 20 के बाद, फिर मतलब 18 के बाद लोग डोनेशन कर सकते हैं। रक्तदान के बारे में क्या जानते हैं आप? मीन्स जैसे होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता है, कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है ब्लड की, बट अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर हम लोग का ब्लड ब्लड बैंक में सबमिट होगा तो किसी की हेल्प हो जाएगी उस टाइप का। आपको पता है आप एक यूनिट से 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, पता है? क्या नाम हुआ? खुशी। डोनेशन कर रहा है? यस। कैसा लग रहा है? रक्तदान के बारे में क्या जानते हैं? दिस इज द बेस्ट सैक्रिफाइस एंड डोनेशन, सो डू इट। कहाँ? मुकामा से ही है? कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस मुकामा ही है। इस रक्तदान शिविर में रक्त कलेक्ट कर निरामया ब्लड बैंक को दिया गया। निरामया ब्लड बैंक के सेंट्रल हेड राकेश रंजन ने बताया कि कलेक्ट किया गया रक्त को पहले जांच किया जाएगा, उसके बाद ये ब्लड जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। इस शिविर में जिन लोगों ने रक्तदान किया है उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ ही साथ एक डोनर कार्ड भी दिया गया। यह डोनर कार्ड 1 साल तक वैलिड रहता है। रक्तवीर इस कार्ड की सहायता से 1 साल में कभी भी 1 यूनिट ब्लड इस ब्लड बैंक से ले सकते हैं। मैं मेडिकल टीम के रूप में आप लोग आए और यहाँ रक्त कलेक्ट कर रहे हैं, कैसा मतलब? ये काफ़ी अच्छा अनुभूति है कि पहली बार किसी भागवत कथा के अंदर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और काफ़ी बढ़ चढ़ के रक्तवीर लोग सामने आ रहे हैं, भक्त लोग रक्तदान कर रहे हैं, और रक्तदान से काफ़ी अच्छा चल रहा है। रक्तदान अच्छा चल रहा है, क्या कीजिएगा इस रक्त का आपको? जब ये ब्लड जाता है ब्लड बैंक में, तो उसके बाद इस ब्लड का सारा जांच होता है। जांच होने के बाद ब्लड को स्टॉक में ले लिया जाता है, और जब भी जो रक्त आता है उनको ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड विदाउट डोनेशन दिया जाता है, और बाकी ये ब्लड जब स्टॉक में रहता है तो किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होता है तो उनको ब्लड के बदले ब्लड दिया जाता है। सभी रक्तवीरों को एक डोनर कार्ड दिया गया? सभी लोगों को डोनर कार्ड दिया गया है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, और कभी भी उनको या उनकी फैमिली को ब्लड की जरूरत होगी तो उस कार्ड के माध्यम से 1 यूनिट ब्लड वो ब्लड बैंक से ले सकते हैं। जो जिनको जिनके पास कार्ड है उनको कुछ पे भी करना पड़ेगा? कुछ एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग चार्ज है वो सब लोगों को देना होता है, वो आपका 800 रुपये के आसपास में है शायद, तो उतना देना पड़ता है। देना पड़ता है जी।
कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं? जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है, वजन 45 केजी से ऊपर है, वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन हुआ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ निरम्य ब्लड बैंक। इस क्रम में रक्तदानी सदस्य राकेश रंजन, विक्रांत कुमार और कुमार मंगलम ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य प्राची देव जी महाराज को परशुराम चिन्ह का मेमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं पूज्य प्राची देव जी महाराज ने भी जय श्री राम नाम के पच्ची देकर सम्मानित किया। इस रक्तदान शिविर में रमेश चंद्र सिन्हा, पूर्व मुखिया सुबोध सिंह, सत्यम कुमार, कुमार मंगलम, संतोष कुमार आदि लोगों का सहयोग रहा।